एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। एंड आज मैं आपके साथ मीशो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइनर साड़ी, लहंगा, गाउन, सभी कुछ आपको मिक्स में देखने को मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जिनके कोड आपने मुझे दिए थे। एक तो आज का कलेक्शन मेरा फेवरेट कलेक्शन है क्योंकि आज के सारे आउटफिट्स एक से बढ़कर एक है, प्लस डिजाइनर है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी आई है। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में जितने भी आउटफिट्स हैं सभी हैं रीसेंट में, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी तो वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। एंड सभी की जो मीशो प्राइस है, रीसेलिंग प्राइस है, मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, तो आप ध्यान रखना। रीसेलिंग का मतलब बस इतना सा है कि मैं उसे कम प्राइस में आपको सेल कर रही हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं, लेकिन जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है, इन 5 और 10 मिनट्स वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। क्योंकि एक एक ही प्रोडक्ट होते हैं जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, और आज के तो सारे प्रोडक्ट डिजाइनर है, और बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोडिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, मीशो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से। जितने भी आउटफिट्स हैं सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट आउटफिट से। वैसे तो सारे ही फेवरेट है क्योंकि सारे एक से बढ़ के एक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेवरेट है ना वो है ये रेडी टू वेयर साड़ी। साइड में आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा, मैंने इसे खोल के देख लिया था एंड कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये मिली है जिप कवर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका ब्लाउज। इसमें आपको रेडी टू वेयर ब्लाउज देखने को मिलेगा। साइज इसमें ओनली 3 अवेलेबल है, एक तो एल, एक्सएल और डबल एक्सएल, लेकिन मैंने एल ऑर्डर किया एंड जो मुझे मिला तो कुछ इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज देखने को मिलेगा। अगर आप स्मॉल और एम साइज में भी है तो इजीली ये ऑल्टर हो जाएगा, मैंने देख लिया है। और अगर आप एक्सएल साइज में भी है ना तो भी आपके एल साइज इजीली आ जाएगा, क्योंकि एल साइज ही इन्होंने काफी बड़ा दिया है। तो अगर आपको एक्सएल में जाने की जरूरत नहीं है तो एल साइज ले लीजिए, स्मॉल, एम, एल और एक्सएल चारों में आराम से आ जाएगा। पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है एंड इस तरीके का आपको ये वाला सीक्वेंस का पूरा ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। एंड आप स्लीव्स देख सकते हो कितनी प्यारी है, बहुत ही हैवी स्लीव्स इसमें दी हुई है। इसमें आपको पूरे पे सीक्वेंस एंड जरी का काम देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, बहुत सुंदर है। बैक इस तरीके का देखने को मिलेगा एंड जब आप इसे ऑल्टर कराएंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा वाला लुक आएगा। इसमें कुछ आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। इसका फुल लुक आपको साइड में क्लियर होगा, ये एक रेडी टू वियर साड़ी है। इसमें अंदर आपको पेटीकोट पहनने की नीड नहीं है, पेटीकोट आपको अंदर इसमें अटैच देखने को मिलेगा। लाइक आप मान सकते हो कि लाइनिंग अंदर अटैच मिलेगी इसमें आपको, तो जब आप नीचे ड्रैप करोगे तो वो पूरा पार्ट इस तरीके से आपको बैक में देखने को मिलेगा। लाइनिंग अटैच है तो आपको अंदर पेटीकोट वगैरह पहनने की भी नीड नहीं है। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये रफल डिजाइन में साड़ी देखने को मिल जाएगी एंड पूरे पे आपको जरी का काम देखने को मिल जाएगा। ये आपको साड़ी तब समझ में आएगी तब मैं आपको साइड में पहन के फुल लुक आपको बताऊंगी एंड बहुत ही सुंदर है। एंड ये आ जाता है इसका आंचल वाला पार्ट, बहुत ही प्यारा सा। इसमें आपको सीक्वेंस प्लस जरी का काम देखने को मिल जाएगा, मैं आपको पास से बता रही हूँ। एंड जो सिल्वर कलर का काम है ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड बहुत नीटली इसमें किया हुआ है। एंड ये है इसका आंचल जो कि आपको यहाँ से रफल वाला देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, लेडीज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और आप किसी भी पार्टी, फंक्शन, ऑकेजन के लिए लेना चाहते हैं ना, बहुत ही सुंदर है यार और अफोर्डेबल प्राइस में है। और अगर आप यही साड़ी और कहीं पे देखेंगे या फिर किसी और वेबसाइट, और मैंने मिंत्रा पे भी रेडी टू वेयर साड़ियाँ सर्च की थी लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, प्लस यहाँ पे आपको इतनी प्यारी सी डिजाइनर साड़ी मिल रही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, पूरी साड़ी का फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक एंड पूरे पे जो वर्क किया गया है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसकी मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप ध्यान रखना। ये एक ऐसी साड़ी है जिसको मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है एंड बहुत सुंदर लगेगी पहनने के बाद, कलर भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी। नेक्स्ट साड़ी मैंने ली है, ये भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बताती हूँ। इसका ब्लाउज इसमें आपको साड़ी में ही अटैच देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर का है, टफेटा सिल्क का ब्लाउज है, पूरा 90 सेंटीमीटर का
का एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिलेगा। सेम ऐसा बॉर्डर आंचल पे भी दिया हुआ है, जब आप पिट में देखोगे बहुत ही प्यारा बॉर्डर है ये वाला। एंड कट वर्क का काम किया है, पूरा सिल्वर सिक्वेंस का भी काम है, प्लस जो जरी का काम किया गया है बहुत ही प्रिटी लग रहा है। एंड कुछ इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज देखने को मिलेगा, 90 सेंटीमीटर का है, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हो तो भी आपके इजीली आ जाएगा। एंड टफेटा सिल्क है ब्लाउज का फैब्रिक। एंड पूरी साड़ी आपको ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगी। ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होता है एंड पहनने के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। एंड कुछ इस तरीके के बड़े बड़े फ्लावर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो फ्लोरल प्रिंट है ना, समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है। इसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लैक कलर ही चूज करना, बिकॉज जो ब्लैक कलर में जो इसमें कलर मिक्स किए गए ना, वो इस साड़ी को बहुत ही ज्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। एंड बहुत ही बड़े बड़े इस तरीके के आपको कलरफुल फ्लावर देखने को मिल जाएंगे, प्लस इस तरीके की बड़ी कुछ ब्रॉड लेस इसमें लगाई हुई है। एंड पूरे पे सिक्वेंस एंड जरी का काम किया गया है एंड ये कट वर्क में है। बहुत ही प्यारी लगेगी ये वाली साड़ी पहनने के बाद, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है सिंपल साड़ी हो प्लस हैवी बॉर्डर हो। एंड कुछ इस तरीके की आपको पूरी 5.5 मीटर की ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। फुल लुक आप साइड में देखना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आएगा। एंड पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड इसका आंचल है ना, इसमें आपको चारों तरफ इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है किसी भी कैसे भी फंक्शन में आप इसे पहन लो, उस अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो नेक्स्ट साड़ी है जो मैंने ये पिक की है, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने खोल के देख लिया था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी साड़ी है एंड ये रेप्लिका है, माधुरी दीक्षित ने इसे पहना है। एंड प्लेन साड़ी की अकॉर्डिंग एंड कलरफुल साड़ी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, एंड आप बोल सकते हो एक रेनबो साड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी जस्ट मैंने इसे खोल के देखा, इसका फैब्रिक है साटिन सिल्क, तो थोड़ा इस फैब्रिक में अगर ये रैप हुई आई है तो आपको एक बार इसे प्रेस करके देन इसे पहनना पड़ेगा, बिकॉज कुछ फैब्रिक इस तरीके का है कि ओपन होने के बाद इसमें आप देख रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी सलवटें हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग। बाकी साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी है। एंड ये है इसका ब्लाउज, जो आपको कुछ इस तरीके का इसमें अटैच देखने को मिल जाएगा, प्लेन ब्लाउज है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे किसी और डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयरअप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। मैं जितने भी ब्लाउज आज साड़ी के साथ पेयरअप करूंगी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो उन ब्लाउज के साथ भी आप पेयरअप कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, फुल लुक साइड में क्लियर होगा आपको, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है यार पहनने के बाद। एंड ऐसी साड़ी है कि आप इसे एक हैवी ब्लाउज प्लस हैवी ज्वेलरी अच्छे से पर्स क्लच के साथ कैरी कर सकते हैं, बेल्ट के साथ स्टाइल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है। तो पूरे 5.5 मीटर की आपको इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी कलरफुल साड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड ये वाली साड़ी समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है। एंड नीचे वाला पार्ट है ना, जो आपको प्लेन दिखेगा, जैसा कि आपको पिक से क्लियर हो रहा होगा, ये आपको पिंक कलर का देखने को मिल जाएगा, एंड बहुत ही प्रिटी है यार। और ये है इसका आंचल, जो आपको इस तरीके का कलरफुल आंचल देखने को मिलेगा। वेट है 5.5 मीटर की साड़ी है, प्लस 90 सेंटीमीटर का अटैच इसमें आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। तो ये साड़ी भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट, एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने अब की बार पिक किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है ये वाली साड़ी, तो मैं आपको इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। इसकी भी नीचे प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक ब्यूटीफुल सा लहंगा, एंड इसका कोड भी आप लोगों ने ही मुझे दिया था, एंड बहुत ही प्यारा आया है यार सच में, ये तो बहुत ही सुंदर कलर है, ये आपको जिप कवर में देखने को मिल जाएगा। एंड आज के जितने भी आउटफिट है ना, सभी एक से बढ़ के एक है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और रियली मैं सबको आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही प्रिटी है। अब ये वाला लहंगा इतना ज़्यादा सुंदर है, लुक एट दिस ना, ये लहंगा एक तो ये आपको पूरा डार्क नेवी ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा इस पर वर्क किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी एंड सिक्वेंस का, बहुत लाइट वेट है, एंड इसका फुल लुक
बहुत प्यारा आएगा जब आप इसका ब्लाउज स्टिच कराओगे, प्लस ये लहंगा भी सेम ही स्टिच है, जब आप इसे स्टिच करा के पहनोगे लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आने वाला है। अगर आपके घर में शादी है या फिर आपकी खुद की इंगेजमेंट है या फिर किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो ये वाला लहंगा ट्राई करना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एंड कुछ इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा, सेम ही स्टिच लहंगा है, यानी कि एक साइड से खुला हुआ। एंड वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसकी वेस्ट है अप टू 42 या अप टू 44, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी है ना तो भी आपके इजीली आ जाएगी। एंड पूरा लहंगा आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलने वाला है। एंड पूरे पे जो वर्क किया गया है मैं आपको पास से बताती हूँ एक बार, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस सिक्वेंस का काम किया गया है, सिल्वर सिक्वेंस लगवाए हुए हैं। लुक एट दिस ना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस जो वर्क किया गया है बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर आप नाइट के अकॉर्डिंग पहनना चाहते हैं ना, ये वाला लहंगा बहुत प्यारा लुक आएगा इस वाले लहंगे को पहनने के बाद। एंड इसमें अंदर प्रॉपर आपको साटिन की लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे आपको सबसे अच्छी बात है, इसमें कैन-कैन भी लगाई हुई है, तो आपको अलग से कैन-कैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च नहीं करना है, जस्ट अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको इसे स्टिच करवाना है और आप इजीली कैरी कर सकते हैं। प्लस इसका फ्लेयर 3.5 मीटर के आसपास है, तो लुकिंग वाइज बहुत ही परफेक्ट लहंगा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। वर्क फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी भी मैं मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अगर आप मीशो से भी लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लेना, बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं जो मीशो पे आते हैं और आते हैं तो सोल्ड आउट हो जाते हैं। लुकिंग वाइज ये वाला लहंगा परफेक्ट है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, लेडीज के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और इसमें आपको कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, और इस ब्लाउज को आप ऐसे स्टिच करा सकते हैं जैसे मॉडल ने पहना हुआ है। इसमें आपको दो फैब्रिक मिल जाएंगे ब्लाउज के लिए, ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं ना, पूरा सिक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, एंड स्टिच कराने के बाद बहुत प्यारा लुक आएगा। एंड सेम ऐसा फैब्रिक आपको बैक के लिए भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, और साइड में आपको प्लेन फैब्रिक भी दिया हुआ है। तो अगर आप स्लीवलेस नहीं बनवाना चाहते, स्लीव्स भी बनवा सकते हैं, और इतना फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। तो ये है ब्लाउज का फैब्रिक, प्लस साटिन की अंदर लाइनिंग भी दी हुई है ब्लाउज के लिए, तो आपको अलग से लाइनिंग परचेज करने की नीड नहीं है। पूरी 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर के आसपास आपको लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो यार बेस्ट है, सब कुछ आपको रेडी मिल रहा है। आपको कुछ इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, एंड नेट में है ये वाला दुपट्टा, 2.25 मीटर का है, एंड चारों तरफ आपको कुछ इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, सिक्वेंस वाला है, सेम एम्ब्रॉयडरी वाला है, एंड 2.25 मीटर का दुपट्टा है। जब आप इसे स्टाइल करोगे बहुत प्यारा लुक आएगा। अब जो नेक्स्ट और लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक ब्यूटीफुल सी गाउन, एंड मैंने इसे देखा मीशो पे, देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड यार फ्लोरल प्रिंट है, तो समर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइट वेट एंड परफेक्ट गाउन लगी। अब देखते हैं निकली कैसी है, एंड लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी गाउन है ये वाली। और इसका जो फ्रंट का फैब्रिक है ऊपर वाले पार्ट का, ये है विस्क्रोस रेयन, एंड काफी अच्छा फैब्रिक है। एंड लुक एट दिस ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वाली गाउन, एंड पूरे पे जो कलर्स आप देख सकते हो ना, कितने अच्छे से इस गाउन को इन्हेंस कर रहे हैं, फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है जो कि बहुत परफेक्ट लग रहा है। एंड यार ये वाली गाउन ऐसी है, कैजुअल से कैजुअल में आप इसे पहन सकते हो और पार्टीज फंक्शन में भी इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। इसमें आपको मेंटल नेक देखने को मिल जाएगी, बैक में यहाँ पे जिप दी हुई है, एंड बहुत अच्छा फैब्रिक है, लाइनिंग अटैच है अंदर की साइड। एंड नीचे आपको पूरी गाउन ये वाली है जो नेट में देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आपको ऑरेंज सिल्क का फैब्रिक देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड कलरफुल है ये वाली गाउन। लुकिंग वाइज बहुत सुंदर है ये वाली गाउन, एंड परफेक्ट रहेगी किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन के लिए, लाइट वेट है। तो कुछ न्यू पैटर्न लगा मुझे, इसलिए मैंने पिक कर लिया, एंड रियली जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्ट मुझे वैसी मिली है। क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन हो या फिर, बहुत ही सुंदर गाउन है, जब आप लोगे ना तब आपको पता चलेगा बहुत प्रिटी लगेगी। एंड इसकी भी जो मीशो प्राइस है रीसेलिंग प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, प्लस फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपको साइज बता देती हूँ, इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है मीडियम, इसमें आपको सारे साइज मे बी अवेलेबल है मीशो पे, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, आप अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। एंड रियली बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये वाली गाउन, एक बार ट्राई करना, आपको भी पसंद आएगी। एंड ये पूरी गाउन आपको फ्लोर लेंथ में देखने को मिलेगी, प्लस इस तरीके का जिप
शेप कवर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इजीली एक बार पहन के इसमें रख सकते हो, तो वो चीज़ भी बेस्ट है। तो ये है जो लास्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस ये था आज का मेरा मीशो हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड आज के आउटफिट है ना सभी एक से बढ़ के एक है, एंड मैंने ट्राई किया है और भी अच्छे अच्छे मीशो हॉल आपके साथ शेयर करूं, सारे हॉल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। यहाँ पे फॉलो करना मत भूलना यार, इंस्टाग्राम पे आप उसे कनेक्ट रहिए पर्सनल भी, क्योंकि मैं वहां पे अपनी फोटोज रील्स बहुत कुछ अपडेट शेयर करती हूँ, चाहे वो गिव अवे से रिलेटेड हो। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा रहेगा कमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।